नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के मेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और भारत का भूगोल विषय लेकर मैं हूं आपके साथ अगा सिंह। पिछले वीडियो में हमने भारत के भौतिक विभाजन की कहानी की शुरुआत कर दी थी और उस कहानी में हमने हिमालय की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि हिमालय को हमने नवीनतम और उच्चतम पर्वत श्रेणी क्यों कहा। हमने ये देखा कि हिमालय के विस्तार क्या है, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण। हमने हिमालय के अपवाह तंत्र पर भी चर्चा की और भी अन्य विशेषताओं के साथ हमने विशेषता वाले प्रश्नों को समाप्त किया। अब इस टॉपिक पर हम हिमालय की अगली पड़ाव पर बात करने वाले हैं और अगला पड़ाव जो है वह है हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास। अर्थात ये जो हिमालय हम देख रहे हैं आज, ये जो पश्चिम से पूर्व के विस्तृत ये पर्वत श्रृंखला हम देख रहे हैं 2500 किलोमीटर का, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे और उत्पत्ति के बाद ये विभिन्न चरणों पर कैसे विकसित हुआ, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन इसके लिए हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर जाएंगे, हम पुराने समय पर पहुँचेंगे और एक थ्योरी का हम सहारा लेंगे जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था, इस सिद्धांत में इन्होंने साक्ष्यों के आधार पर यह प्रूव किया था कि पूरा का पूरा पृथ्वी दो भागों पर विभाजित था। एक जो भाग था जो हमें भूभाग दिखता है, इसको हम पेंजिया कहते हैं, और जो जल सागर वाला भाग था उसे हम पेंथलासा कहते हैं। तो दो भागों पर विभाजित था, जो भूखंड था, भू वाला भाग था, उसे पेंजिया कहा गया और जो सागर वाला भाग था उसे हम कहते हैं पेंथलासा। यही भूभाग आगे चलकर विभाजित होता है और हमें यहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में आज वर्तमान में देखने को मिलता है। और ये पेंथलासा आगे विभाजित होता है और आज हमें यहाँ पर कहीं इंडियन ओशन, कहीं पर अटलांटिक ओशन, कहीं पर पैसिफिक ओशन और एक्सेट्रा के नाम पर हमें देखने को मिलता है। अब ये पेंजिया और पेंथलासा तक की कहानी तो हम समझ गए कि भूखंड हो गया पेंजिया और जो जल सागर वाला भाग हो गया पेंथलासा। यही पेंजिया आगे चलकर दो हिस्सों पर विभाजित होता है, एक होता है अंगारा लैंड और एक बनता है गोंडवाना लैंड। इस पेंजिया का जो उत्तर वाला भाग होगा, जो ये उत्तर वाला भाग आप देख रहे हैं, ये उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड में तब्दील होता है और ये जो दक्षिण वाला भाग है ये गोंडवाना लैंड में तब्दील होता है। हमारा भारतीय प्लेट इसी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों विभाजित हो जाते हैं तो इन दोनों के मध्य में एक जलमग्न भाग रहता है, एक उथला संकीर्ण जल वाला भाग रहता है जिसे हम कहते हैं टैथिस सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो जल सागर वाला भाग जो संकीर्ण है, नैरो है, जो उथला है, शैलो है, उसे हम क्या कह रहे हैं, टैथिस सागर। तो ये टैथिस सागर हमके देखने को मिल जाता है कहां पर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में। आगे समय बढ़ता है और समय बढ़ने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर इसी गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट टूटकर विखंडित होकर उत्तर की दिशा में गतिमान होता है। हम इस इमेज का सहारा लेते हैं, हम यहां पर देखते हैं परमियन युग के बारे में कुछ दिया गया है, फिर देखते हैं ट्रायसिक युग के बारे में दिया गया है, जुरासिक युग में दिया गया है और यहाँ पर आ जाते हैं क्रिटेशियस युग पर। 6.5 करोड़ साल पूर्व की कहानी है। हम यह देखते हैं एक छोटा सा हिस्सा, आप ये देख रहे होंगे ये छोटा सा हिस्सा क्या है, यह है इंडियन प्लेट और यह विभाजित हो चुका है गोंडवाना लैंड से और उत्तर की दिशा में गतिमान हो चुका है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की है जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ रहे थे तब, कि क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर कैसे गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट टूटकर अलग होता है और अपने उत्तर की दिशा में उस सफर पर ये रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से गुजरता है। यह रीयूनियन आइलैंड एक ज्वालामुखी आइलैंड था, ज्वालामुखी द्वीप था और इसी ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण इस भारतीय प्लेट पर हमें दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप देखने को मिलता है। तो ये क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर आप भारतीय प्लेट को टूटकर उत्तर की ओर जाते हुए देख रहे होंगे और फिर उसके बाद वर्तमान समय पर आप देख रहे होंगे कि यह जो भारतीय प्लेट है यह जाकर किससे जुड़ चुका है, यूरेशियन प्लेट से जाकर जुड़ चुका है। तो यह हो गया एक ओवरव्यू कि भारतीय प्लेट कैसे टूटकर कब कहां किससे जाकर जुड़ता है। अब हम इसी कंसेप्ट को जोड़ते हैं हिमालय के निर्माण पर, हिमालय की उत्पत्ति पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या है कहानी। जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर गतिमान हो गया था, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी से लेकर वर्तमान की कहानी तक आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा होगा। ये हो गया आपका 71 मिलियन ईयर अगो, ये हो गया 5.5 करोड़ या फिर 55 मिलियन ईयर अगो, ये हो गया 4 करोड़ साल पूर्व की कहानी, ये हो गया हमारा 10 मिलियन ईयर अगो या फिर 1 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी और फिर उसके बाद ये जो आपको भारत सबसे अंतिम वाला दिखता है ये क्या है, वर्तमान की कहानी।
तो अब अगर हम इसे और इलोबरेट करें और इसे समझें तो ये क्या कहानी था। तो देखिए, जब यह गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट टूटकर अलग हो जाता है, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी है, तब यह क्या करता है, उत्तर की ओर गतिमान होता है, जिसकी दिशा आप देख रहे होंगे कुछ ऐसा टिल्टेड है। कैसा है? टिल्टेड है। पश्चिम की ओर ये पहले टकराने वाला है, उसके बाद ये पूर्व की दिशा पर टकराएगा। तो जब यह भारतीय प्लेट टूटकर अलग हो गया और जब ये जा रहा है, तब अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दो अभिसारी प्लेटें का टकराव होने वाला है। अभिसारी प्लेट अर्थात कन्वर्जेंट प्लेट, कि जब दो प्लेट आपस में आकर टकराते हैं तब हम उसे कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तब हम उसे कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर टकराव की स्थिति बनने वाली है। यहाँ पर दो प्लेटों के बीच में टकराव होने वाला है, उनके बीच में कंप्रेशन फोर्स लगने वाला है, संपीड़न बल लगने वाला है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्लेट। तो दो अभिसारी प्लेटों का टकराव होता है, भारी भारतीय प्लेट का नीचे धंसना हो जाता है। अब देखिए, अब आप ये देखिए कि दो प्लेट अभिसारी प्लेट एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा इंडियन प्लेट और यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट, जिसमें तिब्बत का पठार आप देख पा रहे होंगे। ये रहा तिब्बत का पठार, इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर टकराव होने वाला है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इस इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सागर वाला भाग था, जिसे मैंने क्या कहा, टैथिस सागर। ठीक है, अब इस टैथिस सागर में होता ये है कि भारतीय प्लेट से और यूरेशियन प्लेट से एक लंबे समय अवधि पर निक्षेपण होता है। इंडियन प्लेट से जो भी यहाँ पर उसके जो नदी होंगे, जो पानी होगा, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ जो एजेंट होंगे, उन एजेंट्स के माध्यम से इस टैथिस सागर पर हम क्या देखते हैं कि कुछ निक्षेपण हो रहा है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से। निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन, ठीक है, अपरदन हो रहा है और टैथिस सागर पर हम क्या देख रहे हैं, डिपोजिशन देखने को मिल रहे हैं। किसके? टैथिस सागर के तल पर। ठीक, इसी डिपोजिशन के कारण हम ये पाते हैं कि टैथिस सागर एक उथला जल सागर वाला भाग हो गया। उथला अर्थात शैलो, जिसमें ज्यादा गहराई नहीं है। अब इस टैथिस सागर को हमने जान लिया कि यह संकीर्ण है, क्योंकि यह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य पर है, और शैलो क्योंकि है, क्योंकि दोनों प्लेटों से यहाँ पर हमें डिपोजिशन आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराएगा, तो टैथिस सागर का जो भूतल होगा, जो उसकी तल होंगे, वहाँ पर जो निक्षेपित जो हमें अवसाद देखने को मिल रहे हैं, उनके बीच में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, उनके बीच में दबाव होगा। इस दबाव को हम क्या कहते हैं, भूसन्नति या फिर जियोसिंक्लाइन। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अवसादों का संकुचन हुआ। अवसादों का संकुचन, ये कौन से अवसाद हैं, तो ये अवसाद हैं टैथिस सागर के तल पर, जो कि लाए गए हैं कहाँ से, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से। इन अवसादों का क्या होता है, संकुचन होता है, ये एक दूसरे को दबाते हैं। इससे अगर आप इमेज के फॉर्म पर समझें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये टैथिस सागर का भाग है, जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में ये टकराव हो रहा है, संपीड़न लग रहा है, तब यहाँ पर जो उसके तल पर जो जमाव थे, जो डिपोजिशन थे, वो डिपोजिशन अब क्या हो रहे हैं, दब रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, उन दोनों के दोनों प्लेट क्या कर रही हैं, उसे दबा रही हैं। और जब ये दोनों प्लेटें इनको दबा चुकी होती हैं, लेकिन इनका जो कंप्रेशन है वो अभी रुकता नहीं है, क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर की ओर गतिमान हो ही रहा है, तब इसी जियोसिंक्लाइन का, इन्हीं अवसादों का जो कंप्रेशन हुआ है, जो दबाव हुआ है, यही सेडिमेंट्स क्या होंगे, यही अवसाद क्या होंगे, ऊपर उठेंगे विभिन्न चरणों पर, जो आज हमें हिमालय की एक समांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर नज़र डालें तो आप पाएंगे क्या कि भूसन्नति का निर्माण होता है, और यही भूसन्नति का फिर क्या होगा, विभिन्न चरणों पर वलन की प्रक्रिया से भूसन्नति का उत्थान होगा। वलन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि जब यहाँ पर दो प्लेटें जब टकराते हैं, तो जब टकराव होता है दोनों की तरफ से क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स लगता है, तो इनके बीच की जो जगह होंगी, जैसे कि अभी हमें यहाँ पर टैथिस सागर का भूतल दिख रहा है, या फिर उसका हमें डिपोजिशन दिख रहा है, उनके बीच में दबाव होता है, संकुचन होता है, और यही संकुचन आगे चलकर क्या होता है, फोल्ड होने लगता है, ऊपर उठने लगता है, और ये आप यहाँ पर फोल्ड देख पा रहे होंगे, और ये विभिन्न चरणों पर वलन की प्रक्रिया से बनता हुआ हिमालय आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा होगा। तो अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा करें, तो आप क्या बताएंगे, आप कहानी शुरुआत करेंगे कहाँ से, जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों विभाजित होते हैं।
ठीक है, आप 7 करोड़ वर्ष पूर्व से अपने इस आंसर को शुरू कर सकते हैं कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में एक लंबी संकीर्ण उथली जल सागर भाग था जिसे हम 33 सागर कहते हैं। इस 33 सागर पर भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट से लाए गए अवसादों का निक्षेपण होता है। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराता है, आप यहाँ पर ईयर बताइए कब टकराएगा, 10 मिलियन ईयर अगो या फिर 1 करोड़ वर्ष पूर्व, जब टकराता है तो इन्हीं अवसादों का संकुचन होता है और ये संकुचित अवसादें वलन की प्रक्रिया से विभिन्न चरणों पर एक समांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखला बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय। क्लियर है? तो अब यहाँ पर बात हो गई उत्पत्ति की, अब बात करते हैं विकास की। उत्पत्ति तो हो गई, अब विकास की बात करते हैं कि विभिन्न चरणों पर, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है। तो विभिन्न चरणों पर जब आप नजर डालें तो आपको यहाँ पर सेनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड की कहानी दिखेगी। देखिए, ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी अगर आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सेनोजोइक महाकल्प आ चुका है और उसके टर्शियरी पीरियड, टर्शियरी युग की कहानी चल रही है। उस टर्शियरी युग को हमने यहाँ पर इपोक में विभाजित कर दिया है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा आ जाता है पेलियोसीन। देखिए, भाषा पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान अभी यहाँ पर नहीं देंगे, आप इसे देवनागरी पर पेलियोसीन भी लिख देंगे तो भी चलेगा। टेक्निकल शब्दों पर आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे कि इसका हिंदी खोजूं उसका, आप टेक्निकल शब्दों को अगर देवनागरी पर भी लिख जाते हैं तो आपको मार्क्स बराबर मिलेंगे आपके, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्द जिसका हिंदी में अनुवाद खोजना मुश्किल होता है, अनुवाद सामान्य तौर पर किताबों पर, स्टैंडर्ड किताबों पर नहीं देखने को मिलता, तो हम उसे देवनागरी पर ही लिख सकते हैं, भाषा इंग्लिश भी हो सकती है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर इस इपोक को इंग्लिश शब्दों पर ही यहाँ पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेलियोसीन। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि विभिन्न चरणों पर इन संकुचित अवसादों का क्या हुआ, वलन हुआ, फोल्डिंग हुआ, और उन्हीं भिन्न भिन्न चरणों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चरण पर हम क्या देखेंगे, पेलियोसीन और ईओसीन टाइम पीरियड पर। ये दोनों टाइम पीरियड कब कब है, तो 6 करोड़ और लगभग 5 करोड़ के आसपास की कहानी है। पेलियोसीन हमारा 65 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है और ईओसीन 55 मिलियन ईयर अगो की कहानी है। तो इस समय हमको जाहिर सी बात है क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला भाग दिखेगा यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का उठता हुआ, इन दोनों को जो टकराव हुआ, इन दोनों का जो जॉइंट बना वो सबसे फ्रंटियर हुआ, सबसे पहले रेखा बनी इनके टकराने की। इसी रेखा का हमें क्या देखने को मिलेगा, उत्थान देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पर पेलियोसीन और ईओसीन टाइम पीरियड पर क्या बनता हुआ दिखता है, तो हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखता है तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार को ख़त्म करता है कौन, इंडो-सैंक्पो-सचर जोन। क्लियर है? इंडो-सैंक्पो-सचर जोन। तो पेलियोसीन और ईओसीन टाइम पीरियड पर तिब्बत का पठार या फिर ट्रांस हिमालय से लेकर हमें ITSZ तक देखने को मिलता है। देखिए, जब भी वलन की प्रक्रिया होगी, जब भी भूमि ऐसे उठेगी, ये फोल्डिंग है, तो हमें यहाँ पर कुछ डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा और कुछ यहाँ पर अपलिफ्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये जो डिप्रेशन और अपलिफ्टमेंट की कहानी अलग अलग चरण में बनेगी, इसे ही हमने क्या कह दिया, पैरेलल सीरीज ऑफ माउंटेन या फिर समांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय बनता हुआ दिखेगा, और ट्रांस हिमालय से लेकर हमें इस ITSZ तक, ये क्या है, ITSZ तक हमें ये कब बनते हुए दिखेगा, किस चरण पर बनते हुए दिखेगा, पेलियोसीन और ईओसीन टाइम पीरियड पर ये बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अब ये दोनों जॉइंट की कहानी तो हो गई, लेकिन भारतीय प्लेट सक्रिय प्लेट है तो आगे की ओर और धंसेगा। जब आगे की ओर और धंसेगा तब हमें फिर यहाँ पर कुछ उठता हुआ दिखेगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, वृहद हिमालय वाला भाग, और उसके बाद जो हमें डिप्रेशन देखने को मिल रहा है उसे आप क्या कह रहे हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे आप MCT भी कह सकते हैं। क्लियर है? और ये किस युग पर आपको बनता हुआ दिखेगा, किस इपोक में बनता हुआ दिखेगा, तो यह देखने को मिलेगा ओलिगोसीन पर, अर्थात 3 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी या 34 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी आपको देखने को मिलेगा। कि अगला जो चरण हमारे सामने बनता है वह बनता है वृहद हिमालय से लेकर MCT तक। तो एक चरण पर हमें ITSZ तक की कहानी दिखती है, दूसरे चरण पर, दूसरे टाइम पीरियड पर, ओलिगोसीन टाइम पीरियड पर हमें बृहद हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय से लेकर MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट तक का निर्माण होते हुए दिखेगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले जब चरण पर हम पहुंचते हैं तब हम क्या पाएंगे कि मायोसिन टाइम पीरियड पर, जो कि 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी थी, इस टाइम पीरियड पर हमें फिर से कुछ यहां पर अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा, उत्थान देखने को मिलेगा, और कुछ हमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, ये रहा वो उत्थान वाला भाग जिसे आप कह रहे हैं लघु हिमालय या लेसर हिमालय, और ये कहां तक बनेगा, तो ये बनेगा MBT तक, जिसे आप क्या कह सकते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्लियर है? तो जब फोल्डिंग होती है, जब ये फोल्डिंग हो रही है, आप यहां पर इसे देख पा रहे होंगे कि जब फोल्डिंग होती है तो कुछ इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये फोल्ड हो रहा है, पहले यहां तक का जो भाग बना ये बना पेलियोसीन और ईओसीन टाइम पीरियड पर, ट्रांस हिमालय से लेकर ITSZ तक। फिर उसके बाद जो ये वाला भाग आएगा, सेकेंड वाला भाग, फर्स्ट वाला भाग हो गया, जो सेकेंड वाला भाग होगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस वाले भाग को आपने ग्रेटर हिमालय कह दिया, और जो ये डिप्रेशन बना उसे आपने क्या कह दिया, MCT या फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आगे जब हम बढ़ते हैं तब तीसरा वाला भाग बनता है, और इस तीसरे वाले भाग को आपने क्या कह दिया, तो ये बन गया लेसर हिमालय या फिर लघु हिमालय, और जो डिप्रेशन वाला भाग था उसे आपने क्या कह दिया, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फिर MBT। आगे फिर बढ़ते हैं और ओलिगोसीन टाइम पीरियड के बाद हम मायोसिन टाइम पीरियड पर पहुंच चुके, लघु हिमालय से MBT तक। अंतिम में आ जाता है प्लायोसीन टाइम पीरियड, और प्लायोसीन पर हमें देखने को मिलता है शिवालिक का निर्माण या शिवालिक का विकास। तो अंतिम में हमें देखने को मिलेगा एक और उत्थित भूखंड जिसे हम कहते हैं आउटर हिमालय या फिर शिवालिक बा हिमालय, और जो डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा उसे हम क्या कहने वाले हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जिसे आप कह सकते हैं HFF। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप विकास की कहानी भी अपने उत्तर पर जोड़ सकते हैं। तो उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति के लिए आपको ये 33 सागर और भूसन्नति वाली कहानी बतानी होगी, जहाँ पर आप ये बताएंगे कि 33 सागर था, उसमें क्या हुए थे, निक्षेपण हुए थे, और इन्हीं निक्षेपण का क्या हुआ, संकुचन हुआ दोनों प्लेटों के द्वारा, और इसे हम भूसन्नति कहते हैं, जो विभिन्न चरणों पर वलन की प्रक्रिया से समांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखला दिखती है। अब विभिन्न चरणों पर जब आपने बात कर दी तो अलग अलग चरणों का उल्लेख आपको करना होगा। पहले चरण पर आपने बता दिया कि ITSZ तक की कहानी, जो टाइम पीरियड था उसे आपने बता दिया पेलियोसीन और ईओसीन। दूसरे चरण पर आपने ओलिगोसीन के बारे में बता दिया, और बता दिया कि वृहद हिमालय से MCT तक का निर्माण होता है। उसके बाद के चरण पर आपने मायोसिन की चर्चा की, और मायोसिन पर आपने बता दिया कि लघु हिमालय से लेकर MBT तक बनेगा, और अंतिम चरण पर आपने बता दिया कि यहाँ पर हमें शिवालिक और HFF बनता हुआ दिखेगा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड पर, अलग अलग चरणों पर हिमालय के अलग अलग भाग बन जाते हैं। जब भी आप उत्तर लिखें तो अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करें, इन टाइम पीरियड का इस्तेमाल करें, पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जब आप हिमालय की उत्पत्ति विकास की कहानी बताएंगे तो आपको ईयर भी बताना है। ऐसा बताने से ये फैक्ट बन जाता है कि आपको कितनी जानकारी पता है हिमालय के विकास की, उसके अलग अलग समय काल पर अलग अलग चरणों की। तो इस तरीके से आप जांचकर्ता को ये बता सकते हैं कि आपको हिमालय की उत्पत्ति और विकास के समय क्रम के अनुसार बहुत अच्छे से चीज़ें स्पष्ट हैं। तो इस तरीके से हमने हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास को भी समाप्त कर लिया। आप अगर ये भी चाहें कि अगर आप किसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करें, किसी थ्योरी या सिद्धांत का इस्तेमाल करें हिमालय की उत्पत्ति और विकास को बताने के लिए, तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। जैसे कि अगर हिमालय के विकास की कहानी आपसे पूछा गया है, और अगर आप कोबर का भूसन्नति सिद्धांत लिखकर अगर आप इसे समझा दें तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, कोबर का नाम स्पष्ट कर देंगे और भूसन्नति सिद्धांत लिख देंगे, भूसन्नति सिद्धांत कोबर का, उसके अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं जिसे मैंने आपको बताया है कि तृतीय कल्प के प्रारंभ होने के पूर्व, अर्थात 7 करोड़ वर्ष पूर्व, हिमालय के स्थान पर लंबा सकरा उथला जलमग्न क्षेत्र था, जिसे हम क्या कहते थे, 33 सागर। उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः अंगारा एवं गोंडवाना लैंड दोनों ये भूखंड थे, 33 सागर में अवसाद निक्षेपित हुए। इन दोनों भूखंड से 33 सागर में अवसाद निक्षेपित हुए या फिर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ। हिमालय की प्रमुख श्रेणी में पूर्व कैम्ब्रियन की नीस, शीस्ट और आर्कियन युगीन चट्टान, लघु हिमालय में विंध्य श्रेणी में मिलने वाले चूना पत्थर की प्रचुरता, साथ ही इनकी मोटाई प्रमाण है कि यह निक्षेपण दीर्घ काल तक चलता रहा। अब देखिए, ये जो
हम कह रहे हैं कि निक्षेपण हुआ, तो इस निक्षेपण को आपने बता दिया कि ये दीर्घकाल तक चला। अब दीर्घकाल तक कैसे बताओगे? तो भाई अगर निक्षेपित जो वस्तु आपको दिख रही है अगर उसकी मोटाई ज़्यादा है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर डिपोजिशन होता रहा, तो हमें वहाँ की मोटाई देखकर और साथ ही साथ जो निक्षेपित यहाँ पर कण देखने को मिल रहे हैं ये आर्कियन युगिन के देखने को मिल रहे हैं। आर्कियन युग अर्थात तो बहुत पुराना, प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक टाइम पीरियड के। तो पेलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के अगर हमें यहाँ पर कण देखने को मिलते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है कि यह इंडियन प्लेट या गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से बह बहकर यहाँ पर आकर जमा हो रहे थे। तो हम प्री कैम्ब्रियन पेलियोजोइक से लेकर यहाँ पर क्रिटेशियस टाइम पीरियड तक इतने लंबे दीर्घ अवधि तक यहाँ पर निक्षेपण होता हुआ देखते हैं, जिस कारण से इसकी मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। उसके बाद आप बताएंगे कि कार्बोनीफेरस या फिर क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर गोंडवाना लैंड का विखंडन प्रारंभ होता है और उसके बाद इसमें दबाव की कहानी वही आपको बतानी है कि इनके बीच में दबाव होता है, संकुचन होता है और जो संकुचित वाला भाग है वही क्या होगा, फोल्ड होगा, जिसे आप भूसन्नति कहते हैं। और अलग अलग चरणों पर जब ये फोल्डिंग होगी तो हमें हिमालय बनता हुआ देखने को मिलता है। और उसके बाद ये अलग अलग चरण की आप कहानी बता देंगे, आप बता देंगे कि पेलियोसिन ईओसिन टाइम पीरियड पर आई टी एस जेड तक की कहानी बनी और इसी प्रकार से आप आउटर हिमालय तक की कहानी पूरा बताएंगे, एच एफ एफ तक पूरी कहानी बताएंगे, नाम सहित मैप सहित, तो आपको मार्क्स काफ़ी बेहतर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल ये होगी। हिमालय की उत्पत्ति और विकास समझने के बाद और यह समझने के बाद कि अलग अलग चरणों पर हमें अलग अलग यहाँ पर पवर श्रृंखला बनती हुई देखने को मिलती है, तो हम आ जाते हैं वर्गीकरण पर। हमने वर्गीकरण पर या फिर हमने विकास के समय ही देख लिया था कि ग्रेटर हिमालय किसी अलग काल में बना, लेसर हिमालय या लघु हिमालय किसी अलग चरण पर बना और शिवालिक किसी अलग चरण पर बना। तो अगली जो कहानी आने वाली है बेशक वो वर्गीकरण पर आने वाली है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय की आने वाली है। तो वर्गीकरण हम यहाँ पर तीन आधार पर देखेंगे और ये वर्गीकरण किस तरीके से है, तो उत्तर से दक्षिण का वर्गीकरण है ये हिमालय का, पश्चिम से पूर्व की कहानी हम इसके बाद देखेंगे। तो उत्तर से दक्षिण का जब हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तब हमें देखने को मिलता है महान हिमालय सबसे उत्तर में, मध्य में हमें देखने को मिलता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसे आप लेसर हिमालय भी कहेंगे, और सबसे अंतिम वाला भाग हमें देखने को मिलेगा शिवालिक के नाम से जिसे आप आउटर हिमालय या बाह हिमालय भी कहते हैं। इस तरीके से आप इसे इमेज में देख भी सकते हैं कि जो शिवालिक वाला भाग है वह सबसे दक्षिण पर है, उसके ऊपर जो है वो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है और फिर उसके ऊपर हमें ग्रेटर हिमालय देखने को मिलेगा और ग्रेटर हिमालय के ऊपर हमें देखने को क्या मिलेगा, ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले वर्ग पर चर्चा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला वर्ग क्या है, महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय। प्रश्न आता है कि बृहद हिमालय का वर्णन करें, प्रश्न है बृहद हिमालय का वर्णन करें, तो प्रश्न की खोज पर हम निकलते हैं कि वर्णन इसका कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इसके विस्तार के बारे में आपको जानकारी देनी होगी, लेकिन हम यहाँ पर शुरू करते हैं इसके टाइम पीरियड से। सबसे पहले हमने ओलिगोसिन डाल दिया, आप विस्तार से भी प्रारंभ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। सबसे पहले आपने बता दिया कि इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग के ओलिगोसीन इपोक में, जो कि 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी है। मैंने सिर्फ यहाँ पर ओलिगोसीन लिखा, इसके अलावा जो चीज़ है उसको आपको लिखना है उत्तर पर कब, आपको ये बताना है सेनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड पे, फिर उसके बाद अगला क्या बताना है ओलिगोसीन इपोक में कब, 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी है, इस समय इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ, क्लियर है। अब इसके विस्तार की हम बात करें तो विस्तार आप बताएंगे कहां से कहां तक, ITSZ से MCT तक। जब आप हिमालय का चरण विभिन्न चरण देख रहे थे तब आपने क्या देखा था कि पेलियोसीन और ईओसीन टाइम पीरियड पर ट्रांस हिमालय और क्या बनता है, ITSZ तक का कहानी बनता है। एक हमें उत्थित भूखंड दिखेगा और एक डिप्रेशन दिखेगा, एक खड्ड दिखेगा। जब हम आते हैं अगले चरण पर ओलिगोसीन पर तब हमें क्या देखने को मिलता है, एक फिर से उठा हुआ भाग जिसे हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं और एक नीचे वाला भाग जिसे आप MCT या फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। तो ITSZ से MCT तक का जो उठा हुआ भाग है उसे आप क्या कह रहे हैं, उसे ही आप कह रहे हैं ग्रेटर हिमालय। ये हो गया ज़्यादा टेक्निकल तरीके से बताया गया इसका विस्तार। आप इसे आसान तरीके से भी बता सकते हैं कि ट्रांस हिमालय
उत्तर में और दक्षिण पर लघु हिमालय तक का इसका विस्तार है। लेकिन ज़्यादा बेहतर हो जाएगा अगर आप ITSZ या फिर इंडो सैंपो सचर जोन और मेन सेंट्रल थर्स तक इसका विस्तार स्पष्ट करेंगे तो आपके मार्क्स काफ़ी बेहतर उठेंगे अगर आप इसे टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो। क्लियर है? तो ये हो गया ITSZ से MCT तक का विस्तार, कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण। अब अगर पश्चिम से पूर्व तक के विस्तार की बात करें तो यहाँ पर आपको नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक ये विस्तृत होता हुआ दिखेगा। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व के नामचा बारवा तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला आपको देखने को मिल रही है ये क्या है? ये है ग्रेटर हिमालय की या बृहद हिमालय की श्रृंखला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जब इसकी कहानी देखेंगे, जब हम वर्णन कर रहे होंगे तो इसका जब हम वर्णन कर रहे होंगे तो हमने पश्चिम से पूर्व का विस्तार बता दिया, उत्तर से दक्षिण का विस्तार बता दिया। अब हमें इसकी अगली जानकारी जो देनी होगी वो ये होगी कि हिमालय का सबसे उत्तरी भाग होगा ये और सबसे उच्चतम भाग होगा, इसके पीछे कारण क्या? तो हिमालय का उत्तरी भाग तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन जब आप उच्चतम भाग कहेंगे तो इसी भाग पर हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसी भाग पर हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848 मीटर ऊँचा। अब ये सबसे ऊंचा क्यों है? तो देखिए, जब ये ट्रांस हिमालय और भारतीय प्लेट का टकराव होता है तो सबसे पहले जो टकराने वाला हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के बाद हमारा जो बनता है वह है ग्रेटर हिमालय। लेकिन ट्रांस हिमालय किसका भाग था? ट्रांस हिमालय था यूरेशियन प्लेट का भाग। और यूरेशियन प्लेट क्या सक्रिय था क्या? नहीं, मैंने आपको बताया है कि सक्रिय वाला भाग कौन सा था, वो इंडियन प्लेट था। तो ज़्यादा धक्का कहाँ से पड़ेगा? ज़्यादा धक्का पड़ेगा इन दोनों के जो टकराव जॉइंट पर, वो पड़ेगा इंडियन प्लेट की तरफ से। तो ग्रेटर हिमालय इंडियन प्लेट का सबसे अंतिम छोर है, ये क्लियर कर लीजिए। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था और जो हमारा ग्रेटर हिमालय था वो इंडियन प्लेट का सबसे अंतिम छोर है। और सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाने के कारण जो यहाँ पर प्रक्रिया देखने को मिलेगी उठने की, वो ग्रेटर हिमालय की उठने को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि ग्रेटर हिमालय जो है सबसे उत्तरी भाग है हिमालय का और सबसे उच्चतम भाग है, क्योंकि भारतीय प्लेट सक्रिय था और ज़्यादा जो फोर्स लग रहा था वो भारतीय प्लेट की तरफ से लग रहा था या फिर दक्षिण से लग रहा था इस जॉइंट पर। भारतीय प्लेट का सबसे अंतिम छोर है वह है ग्रेटर हिमालय, और ट्रांस हिमालय सबसे अंतिम छोर है किसका? तो यूरेशियन प्लेट का। तो इस तरीके से आपने ये बता दिया इसकी कहानी। अगली जो कहानी होगी वो आपको ये बताना है कि ग्रेटर हिमालय हमें कंटिन्यूस माउंटेन चेन की तरह दिखेगा, निरंतर देखने को मिलेगा। अर्थात आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि जब आप बृहद हिमालय को यहाँ पर समझ रहे हैं, जब आप बृहद हिमालय को यहाँ पर देख रहे हैं, तब आपको ऊंची-ऊंची चोटियाँ कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। अर्थात बीच में ब्रेक नहीं है, निरंतर है, कंटिन्यूस है। आप यहाँ पर पश्चिम से पूर्व तक बड़ी बड़ी यहाँ पर चोटियों को भी देख रहे होंगे, जैसे कि नेपाल की धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा सिक्किम की, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश की, नंगा पर्वत से ये पर्वत श्रृंखलाएँ शुरू होकर नामचा बारवा तक जा रही हैं। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। बीच में ब्रेक ना होने के कारण आप इसे क्या करें? कंटिन्यूस है, निरंतर है। जाहिर सी बात है कि जॉइंट वाला हिस्सा है, तो जॉइंट वाला हिस्सा क्या होगा? बीच में गैप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दर्रों की कहानी अलग है, वो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं का गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कंटिन्यूटी बनते हुए दिखेगी आपको यहां पर ग्रेटर हिमालय में। तो ये आपने बता दिया कि ये निरंतर होगा, इसमें निरंतरता देखने को मिलेगी, और इस प्रकार से आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी रख दी। साथ ही आप ये भी एड ऑन कर सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री का अर्थ हिम से आच्छादित, अर्थात जहाँ पर हमेशा हिम ढक रहे, हिम वहाँ पर हमेशा आपको मौजूद देखने को मिलेंगे, बर्फ देखने को मिलेगा ही। क्लियर है? तो इसीलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तो अब जब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बृहद हिमालय का वर्णन करो, तब आप बताएंगे कि इसका निर्माण कब हुआ? तो ओलिगोसीन में। कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो ITSZ से MCT तक। ये आपने बता दिया उत्तर से दक्षिण का विस्तार।
पश्चिम से पूर्व आपने क्या बता दिया, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक ये विस्तृत देखने को मिलेगा। साथ ही आपने क्या बताया कि इस विस्तार में हमें निरंतरता देखने को मिलेगी, कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। और उसके बाद आपने ये पॉइंट एड ऑन कर दिया कि उत्तरी एवं उच्चतम भाग है। आपने ये भी बता दिया कि भारतीय प्लेट का सबसे अंतिम छोर जो उठता है, जो वलन की प्रक्रिया से ऊपर उठता है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटर हिमालय। तो इस प्रकार से ग्रेटर हिमालय का कहानी समाप्त हुआ। और शब्द अगर इसमें एड ऑन करने हुए, तब आप बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का वर्णन कर लें। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, तब हमें देखने को मिलेगा नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, सिक्किम आ जाते हैं कंचनजंगा, और उसके बाद अरुणाचल में हमें देखने को मिलता है नामचा बरवा। तो इस प्रकार से बृहद हिमालय की कहानी समाप्त हुई, अर्थात हिमालय के वर्गीकरण पर सबसे पहला पड़ाव हमने समाप्त कर लिया। बृहद हिमालय के वर्णन को समाप्त करने के बाद हम अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, और अगला पड़ाव है लघु हिमालय। अब लघु हिमालय के बारे में भी अगर आपसे कोई कह दे कि लघु हिमालय का वर्णन करें, तो ठीक उसी क्रम में सबसे पहले तो आप ये बता देंगे कि इसका निर्माण कब हुआ। तो इसका निर्माण आप बता देंगे कि मायोसिन टाइम पीरियड पर, अर्थात 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी है। और इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो MCT से लेकर MVT तक जो हमें उत्थित भूखंड दिखता है, उठा हुआ भाग दिखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय या लेसर हिमालय। तो देखिए एक बार फिर से अगर हम रिकॉल करें, तो आप क्या पाएंगे कि ITSZ MCT तक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट तक जो उठा हुआ भाग था, उसे हमने बृहद हिमालय कहा। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट से लेकर MBT तक, या मेन बाउंड्री थ्रस्ट तक जो उठा हुआ भाग दिखेगा, उसे आप क्या कहेंगे, लेसर हिमालय या लघु हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के मध्य में होने के कारण ही आप इसे क्या कहने वाले हैं, मध्य हिमालय। आगे बढ़ते हैं, और जो अन्य महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर बतानी होगी वो ये होगी कि ग्रेटर हिमालय तो निरंतर पर्वत श्रृंखला थी, एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी, लेकिन लेसर हिमालय में हमें ये कंटिन्यूटी विलुप्त होते हुए दिखेगी। हमें यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, या फिर विच्छेदित पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। अर्थात हम जब लेसर हिमालय पर बात करेंगे, तब कुछ पर्वत श्रृंखला हमें ऐसे अगर देखने को मिली, तो फिर उसके बाद कुछ गैप दिखेगा, और उसके बाद कुछ और पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर पीर पंजल और धौलाधार को उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आप इस इमेज पर नज़र डालें, तो आपको यहाँ पर पीर पंजल दिख रहा होगा, और उसके बाद कुछ गैप के बाद हमें यहाँ पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला दिख रही है। तो पीर पंजल और धौलाधार के बीच का जो गैप है, इसी गैप को आप क्या कह दे रहे हैं कि लेसर हिमालय एक विच्छेदित पर्वत श्रृंखला है, डिसकंटिन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ, तो उसके पीछे की कहानी समझने के लिए आपको हिमालय के, या फिर भारतीय प्लेट के टकराव की कहानी पर पुनः लौटकर जाना पड़ेगा। देखिए, जब यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट टकराता है, तो इस वाले यूरेशियन प्लेट के फ्रंटियर भाग को, या फिर अंतिम छोर पर जो हमें भूखंड उठता हुआ दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। और इंडियन प्लेट के जो अंतिम छोर पर उठता हुआ भाग दिखता है, उसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। अब हम ये देखते हैं कि ग्रेटर हिमालय उत्तर पर स्थित है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और पर्वत श्रृंखला उठ रही है, जिसे हम लेसर हिमालय कह रहे हैं। लेकिन इस लेसर हिमालय के साथ दुविधा ये है कि लेसर हिमालय के दक्षिण पर हमें कुछ और पर्वत श्रृंखला, बड़ी बड़ी स्थल आकृति देखने को मिल रही है। जैसा आप देख रहे होंगे, अरावली दिख रहा है आपको, यहाँ पर विंध्याचल देखने को मिल रहा है, सतपुड़ा देखने को मिल रहा है। तो इस तरफ से, दक्षिण की तरफ से हमें यहाँ पर फोर्स लगता हुआ दिखता है, लेकिन हमें यहाँ पर ग्रेटर हिमालय की तरफ से भी कुछ रिएक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर बल लग रहा है दक्षिण की ओर से, एक बड़ी बड़ी भू आकृतियाँ भी रखी हुई हैं, जैसे कि अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, मैंने बताया आपको, इस तरफ से फोर्स लग ही रहा है, लेकिन हमें एक रिएक्शन फोर्स भी बनता हुआ दिख रहा है ग्रेटर हिमालय से, क्योंकि जब भी कोई एक फोर्स लगेगा, उसका रिएक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। और जब दोनों तरफ से हमें यहां पर जिगजैग मोशन पर, बिना किसी समानता के, जब ये बल देखने को मिलेगा, तब इस लेसर हिमालय के साथ होगा ये कि अलग अलग डायरेक्शन से इसमें बल लगने के कारण ये टूट जाएगा, विच्छेदित हो जाएगा। तो इसके पीछे का कारण आप ये कहेंगे, ड्यू टू इररेगुलर एंडोजेनिक फोर्सेस, या फिर अनियमित अंतरजात बलों के कारण। एंडोजेनिक अर्थात जो भू के अंदर से बल लगे, एंडोजेनिक अर्थात ऐसे फोर्स जो भीतर से लगे, क्लियर है। तो इस अंतरजात बलों के कारण, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण,
हमें यहाँ पर लेसर हिमालय को विच्छेदित होते हुए देखने को मिलता है, हमें यह टूटे हुए भाग के तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ विशेष प्रमुख घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये लेसर हिमालय पर। घाटी का अर्थ क्या, तो देखिए दो पर्वतों के बीच का जो भाग होगा उसे हम घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं, क्लियर है। तो पीर पंजल और बृहद हिमालय, देखिए पीर पंजल किसका भाग है, लेसर हिमालय का भाग है, इसके उत्तर पर कौन होगा, तो बृहद हिमालय होगा। तो पीर पंजल और बृहद हिमालय के बीच का जो भाग है, जो जमीन वाला भाग है, उसे आपने क्या नाम दिया, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी किसके किसके बीच होगा, तो कश्मीर घाटी होगा पीर पंजल और बृहद हिमालय के मध्य। उसके बाद आता है कांगड़ा वैली या कांगड़ा घाटी, ये किसके किसके मध्य होगा, तो ये धौलाधार और बृहद हिमालय के मध्य होगा। तो ये कुछ प्रमुख घाटियां हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा भी कुछ हमें हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर कुल्लू, मनाली, मैक्लोडगंज, मसूरी, नागतिब्बा, ऐसे कुछ यहाँ पर हमें पर्यटन स्थल भी देखने को मिलेंगे, हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे। ये सारे कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सारे स्थित हैं हिमाचल प्रदेश पर आप कह सकते हैं, और अगर भौगोलिक स्थिति के आधार पर आप इसे कहेंगे तो ये हमें देखने को मिलेंगे लघु हिमालय या लेसर हिमालय पर। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण झील भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नैनीताल, भीमताल। ताल शब्द का अर्थ होता है वहाँ की भाषा पर, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर ताल का मतलब होता है झील। तो नैनीताल अर्थात झील है, भीमताल अर्थात ये भी एक झील का नाम है। कुछ और महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये करेवा, इससे संबंधित प्रश्न पीएससी मेंस में पूछा गया था, करेवा क्या है। तो देखिए करेवा को जब आप बताएंगे तो करेवा क्या है, एक मैदानी भाग है, क्लियर है, एक मैदानी भाग है, मैदान है ये। और ये मैदान किसके द्वारा बनाया गया है, तो हिमोड़ निक्षेप के द्वारा, नदियों के निक्षेपण के द्वारा नहीं बनाया गया है, हिमों के निक्षेपण के द्वारा ये मैदान बनाया गया है। करेवा किसके द्वारा बनाया गया है, हिमोड़ निक्षेप के द्वारा। अब इन मैदान पर जाहिर सी बात है कि कुछ खेती भी होगी, तो किसकी खेती होती है, तो यहाँ पर खेती होती है केसर की। तो आप करेवा के बारे में क्या बताएंगे कि करेवा कहाँ पर स्थित है, तो करेवा स्थित है लेसर हिमालय या लघु हिमालय पर, जो कि निर्मित हुआ है किसके द्वारा, तो आप बताएंगे हिमोड़ निक्षेप के द्वारा, या एक मैदानी भाग है जहाँ पर केसर की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। ये हो गया करेवा का इम्पोर्टेंस। दो नंबर पर इसी बात को अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, दो नंबर ही मिलेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं, क्लियर है। तो करेवा के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया, साथ ही कुछ छोटे से छोटे छोटे घासों के मैदान भी हमें इस क्षेत्र पर देखने को मिलते हैं, और उस क्षेत्रीय भाषा में उसे मर्ग कह दिया जाता है, और उन्हीं मर्गों के आधार पर कुछ स्थान भी हमें यहाँ पर बहुत सुनने को मिलते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, और इसे ही बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड पर। तो इतनी जानकारी जब आपने बता दिया, एक जगह पर जब आपने लिख दिया, तो लघु हिमालय का वर्णन वाली कहानी भी समाप्त हो जाती है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है मायोसीन टाइम पीरियड पर, 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व की कहानी है। कहां से कहां तक विस्तृत है, तो इसका विस्तार हमने एमसीटी से एमबीटी तक बताया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से लेकर मेन बाउंड्री थ्रस्ट तक। अगली जो विशेषता थी वो हमने बताया, डिसकंटिन्यूटी, विच्छेदित। ग्रेटर हिमालय कंटिन्यूअस है, लेकिन लेसर हिमालय या लघु हिमालय क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि इसके दक्षिण और इसके पूर्व से एंडोजेनिक फोर्सेस लग रहे हैं, अंतर्जात बलें लग रही हैं, जिस कारण से ये टूट गए, इसलिए इनके बीच में गैप्स बन गए, और इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, डिसकंटिन्यूअस माउंटेन सीरीज या फिर विच्छेदित पर्वत श्रृंखला। अब इन्हीं क्षेत्र पर हमें घाटियां देखने को मिलती है, कुछ प्रमुख घाटी हमने जैसे कहा कि पीर पंजल और बृहद हिमालय के बीच की जो घाटी होगी उसे आपने कश्मीर घाटी कहा, और उसके बाद हमने कहा कि धौलाधार और बृहद हिमालय के बीच की जो घाटी होगी उसे आपने कांगड़ा घाटी कहा। इसी क्षेत्र पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कुल्लू दिखेगा, मनाली दिखेगा, मैक्लोडगंज दिखेगा, डलहौजी दिखेगा, मसूरी दिखेगा, नागतिब्बा दिखेगा। उसके बाद हमने करेवा के बारे में जानकारी बताई, करेवा क्या है, तो लेसर हिमालय का एक मैदानी भाग है जो कि निर्मित हुआ है हिमोड़ निक्षेप के द्वारा, जहां पर केसर की खेती बहुतायात पे की जाती है या प्रचुर मात्रा में की जाती है। साथ ही छोटे घास के मैदान हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसे हमने क्या कहा, मर्ग, और इन्हीं मर्ग के आधार पर हमें कुछ प्रमुख स्थान भी देखने को मिलते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इसी छोटे घास के मैदानों को कह दिया जाता है बुग्याल।
इतनी जानकारी के बाद, इतनी संक्षिप्त जानकारी के बाद आपका लघु हिमालय का वर्गीकरण भी समाप्त तो हो जाता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के वर्णन के बाद हम अंतिम भाग पर आते हैं जो कि है शिवालिक, बाह हिमालय या आउटर हिमालय, और इसकी वर्णन अब हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जब बृहद हिमालय और लघु हिमालय का निर्माण हो चुका था तो यहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ भी प्रभावित होने लग गई थीं, जिनके पास जल मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर आपको बारामासी या सदानीरा नदियाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर वर्षा से जल मात्रा तो आती ही है, साथ ही साथ हिमालयों के पिघलने से भी जल मात्रा वहाँ पर पहुँच जाती है। अब ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय की बात हम करें तो इनके ढलानों से जब ये नदियाँ प्रभावित होती हैं तो इन हिमालय के नवीनतम होने के कारण, इनके कणों के कमज़ोर होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा पे अवसाद अपने साथ ये नदियाँ लेकर चली आती है। तो इन्हीं अवसादों के एकत्रित हो जाने के बाद जब इन अवसादों का उत्थान हुआ, कंप्रेशन फोर्स लगने के कारण जब ये जो डिपोजिशन है इनका अपलिफ्टमेंट हुआ, तो अपलिफ्टेड पार्ट, वो उत्थित भाग को ही हम क्या कह रहे हैं, शिवालिक। तो ये हो गई कहानी शिवालिक के निर्माण की। अब हम देखते हैं कि ये सारी कहानी कब होती है, तो ये सारी कहानी होती है प्लायोसीन टाइम पीरियड पर, और इस प्लायोसीन टाइम पीरियड पर आप कब से कब तक, कहां से कहां तक इसका विस्तार देखेंगे, तो ये विस्तार आप देखेंगे MBT से लेकर HFF तक, अर्थात मेन बाउंड्री थ्रस्ट से लेकर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट तक जो हमें उठा हुआ भाग देखने को मिलेगा, उसे ही हम कहते हैं शिवालिक। इसके बारे में, इसके इमेज को, कि कब कब कौन सा भाग को हमने ITSZ कहा, MCT कहा, MBT कहा, HF कहा, थोड़ा से पीछे से अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको इमेज में फिर से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये HFF तक की कहानी जो थी वह शिवालिक के कहानी तक समाप्त होती है। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी अगर हम देखें तो अन्य जानकारी आपको देखने को मिलेगी देशांतरी घाटियाँ, लॉन्गिट्यूडनल वैली। देखिए, घाटी आपको लेसर हिमालय पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन देशांतरीय घाटी, अर्थात अगर आप इन घाटियों के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से आपको ये घाटी देखने को मिलेगी। इनका जो विस्तार होगा वो देशांतरीय होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, देशांतरीय घाटी। और इस स्थान पर इन देशांतरीय घाटियों को कह दिया जाता है दून, और बेशक आपने देहरादून और कोटली दून के बारे में तो सुना होगा। तो दून क्या है? दून है देशांतरीय घाटी जो कि पाई जाती है शिवालिक पे, और कुछ प्रमुख घाटी का जब आप नाम लिखेंगे तब आप बता देंगे देहरादून और कोटली दून इसी का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र पर, जब आप पूर्वी क्षेत्र पर जाएंगे हिमालय के, तब आप पाएंगे कि ये शिवालिक विलुप्त हो जाता है। देखिए, शिवालिक के निर्माण की कहानी ही इसके विलुप्ति की कहानी है। हिमालय का निर्माण, शिवालिक का निर्माण कब हुआ? तो हिमालय के द्वारा, हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण के उत्थान से शिवालिक बनता है। लेकिन हमें ये पश्चिमी भाग पर अधिक विस्तृत, अधिक फैला हुआ दिखेगा, क्योंकि पश्चिम भाग पर ज़्यादा बड़ी नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी अपवातंत्र और गंगा नदी अपवातंत्र। तो इन क्षेत्रों पर हमें ज़्यादा अवसाद एकत्रित होते हुए दिखेंगे। ज़्यादा अवसाद जब यहाँ पर आएंगे तो उनका उत्थान भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो पूर्व पर हमें इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं दिखेंगी, और जाहिर सी बात है कि जब बड़ी नदियाँ नहीं दिखेंगी तो ज़्यादा हमें वहाँ पर अवसाद देखने को नहीं मिलेगा। अब अवसाद नहीं होगा तो क्या उत्थान होगा? क्या तो उत्थान भी नहीं होगा, तो इसलिए वहां पर हमें यह विलुप्त होता हुआ दिखता है। इसी क्षेत्रों पर, इन्हीं क्षेत्रों पर, शिवालिक क्षेत्र पर हमें द्वार देखने को मिलते हैं घाटियों के तौर पर, जैसा कि आपने सुना होगा हरिद्वार। तो इतनी कहानी अगर आपने बता दी कि इसका निर्माण कब हुआ, इसका विस्तार कब है, इसका निर्माण होने की कहानी क्या है, पूर्व की ओर ये विलुप्त क्यों हो जाता है, तो आपको इसमें भी पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के वर्गीकरण को एक्सप्लेन कर लिया, हमने उसके विस्तार कर दिया, हमने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझ लिया। तो इस प्रकार से हमने अभी तक क्या देखा, तो हमने हिमालय की विशेषता देखी, हमने हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी देखी, और उसके बाद हिमालय का वर्गीकरण देखा उत्तर से दक्षिण, बृहद हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय या फिर शिवालिक।